दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus की तरफ से आने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। OnePlus की तरफ से दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले थे, OnePlus Nord CE लॉन्च होने वाला था और OnePlus Nord 2 लॉन्च होने वाला था। OnePlus Nord CE अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये वीडियो जब पब्लिश होगा तब तक OnePlus Nord CE का लॉन्च इवेंट स्टार्ट हो चुका होगा। लेकिन OnePlus Nord 2 का क्या? तो OnePlus की तरफ से खबर आ रही है कि OnePlus Nord 2 जुलाई के महीने में इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है एंड इस फोन से जुड़ी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी कंफर्म हो गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord 2 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन आपको इंडिया में मिल सकता है एंड ओवरऑल कैसा रहने वाला है यह फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई वीडियो को और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को लेकर के। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता पड़ी है, ना ही फोन के कोई रेंडर्स निकल के आए हैं, ना ही कोई बिल्ड क्वालिटी को लेकर के लीक्स निकल के आए हैं। तो यहां पर आज के वीडियो में आपको फोन की एक्चुअल इमेजेस तो देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। जो भी इमेजेस मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं वो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस रहेंगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। बिल्ड क्वालिटी अगर अपन प्रेडिक्ट करें भाई तो यहां पर आपको ग्लास बिल्ड मिल सकती है, क्योंकि नॉर्ड के अंदर भी आपको ग्लास बिल्ड मिलती है। तो यहां पर आपको ग्लास बैक, ग्लास फ्रंट मिल सकता है, आगे पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आने वाली है। एंड बात करें अगर यहां पर डिजाइन के बारे में, तो OnePlus के जो फोन्स हैं कुछ नई डिजाइन के साथ में आपको नहीं मिलते हैं। वही टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप मिलेगा, OnePlus की ब्रांडिंग मिलेगी, लोगो मिल जाएगा पीछे की तरफ। फ्रंट में अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में इस बार आपको सिंगल पंच होल मिलेगा, इस बार आपको डुअल पंच होल नहीं मिलने वाला है, सिंगल सेल्फी कैमरा मिलेगा तो सिंगल पंच होल रहेगा। हल्की सी चेन आपको मिल जाएगी। ओवरऑल दिखने में फोन OnePlus के भाई जो है वो डिसेंट होते हैं, सोबर लुकिंग होते हैं एंड बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल सकती है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले को लेकर के ये खबर निकल के आ रही है कि इस फोन के अंदर आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ, 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला फ्लूइड एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट यहां पर आपको मिलने वाला है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी। डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर कंटेंट वॉचिंग के लिए और गेमिंग के लिए काफी बढ़िया रहने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां पर आपको HDR10 का सपोर्ट मिल सकता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, बढ़िया क्वालिटी का यहां पर आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 110% कंफर्म न्यूज है कि इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 1200 चिपसेट मिलेगा एंड डायमेंसिटी 1200 जो चिपसेट है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के बराबर का चिपसेट है भाई, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर रॉ CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो 3.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है, 4 A78 वाले कोर्स मिलते हैं, तो मल्टीटास्किंग यहां पर आपकी काफी अच्छी हो जाएगी और गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G77 MC9 GPU मिलता है जो कि बढ़िया आपको गेमिंग करा देगा। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाएगी। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ CPU है तो एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़िया रहेगी, हीटिंग का इशू काफी कम मिलेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, टॉप क्लास परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलेगी। और उसी के साथ में LPDDR4X RAM यहां पर आपको मिलेगी एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी तगड़ी मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहां पर जो प्राइमरी कैमरा रहेगा पीछे की तरफ, वैसे तो 3 कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा और यहां पर आपको मिलेगा सोनी IMX766 सेंसर। ये वाला जो सेंसर है OnePlus 9 के अंदर हमको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में देखने के लिए मिला है, तो यहां पर लेटेस्ट वाले सेंसर का यूज किया जाएगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा। उसी के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी कैमरास आते हैं वहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल सकता है एंड एक 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ रहेगा, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS तक। और फ्रंट में अगर बात करें तो आपके सुंदर से मुखड़े की सुंदर सी सेल्फी लेने के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा। जी हां, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर
ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, कैमरा सेटअप से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में बात करें अगर बैटरी के बारे में तो 4500 एमएएच की बैटरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो बैटरी का जो साइज है वो डिसेंट साइज है, क्योंकि आपको पता है भाई हम उस जमाने में रहते हैं जहां पर हमको 7000 एमएएच के बैटरे मिलते हैं फोन के अंदर। तो 4500 एमएएच की बैटरी आपको थोड़ी सी छोटी लग सकती है, लेकिन इस फोन के साथ में आपको 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, 30 वाट वाले नहीं, यहां पर आपको 65 वाट का चार्जर मिल सकता है। ये काफी अच्छी बात है, 4500 एमएएच की बैटरी विद 65 वॉट चार्जर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बैटरी मॉड्यूल में भी आपको शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। इसके बाद में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा, 3.5 mm जैक शायद मिल सकता है। जी हाँ, शायद मिल सकता है, क्योंकि OnePlus Nord CE के अंदर उसको कमबैक किया गया है। तो आई थिंक OnePlus Nord 2 के अंदर भी आपको 3.5 mm का खड्डा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके बाद में अगर बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं रहेगी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, फलाना ढिकाना सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, उसी के साथ में ऑक्सीजन ओएस 11 मिल जाएगा, और OnePlus का यूएसपी है भाई ऑक्सीजन ओएस, तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी समस्या यहां पर नहीं आने वाली है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे, प्लस यहां पर शायद आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन ना मिले। जी हां, OnePlus Nord के अंदर भी नहीं था, Nord 2 के अंदर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहां पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। मतलब अपने फोन में केवल आप 2 सिम कार्ड लगा पाएंगे, यहां पर अपनी मेमोरी को आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस इस फोन के काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें एंड वेरिएंट्स की अगर बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है भाई कि इसका जो बेस वेरिएंट रहेगा वो 8GB प्लस 128GB रहेगा, और शायद OnePlus इंडिया के लिए इसका 6GB वेरिएंट भी लॉन्च कर सकता है। ऐसी सुगबुगाहट सी उठ रही है भाई मार्केट के अंदर कि ग्लोबली 8GB रहेगा लेकिन इंडिया में 6GB से स्टार्ट होने वाला है, जैसा OnePlus Nord के साथ में हुआ था। हालांकि Nord का जो 6GB प्लस 64GB था वो केवल दिखाने के दांत थे, हाथी के वो खाने वाले दांत नहीं थे, तो यहां पर भी वही होने वाला है। और प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है प्राइस पॉइंट को लेकर के। ऐसा सुनने में आ रहा है कि OnePlus Nord का जो प्राइस पॉइंट था ऑलमोस्ट उसी प्राइस पॉइंट पर ये वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब 6GB वाला वेरिएंट 25,000 के आसपास और ऊपर वाले वेरिएंट 30,000 तक में आपको मिल जाएंगे। और ये हमने देखा भी है भाई Realme X7 Max के साथ में कि Dimensity 1200 आपको 26-27,000 में इजीली मिल सकता है। तो आई थिंक ये वाला स्मार्टफोन अगर 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में इंडिया में आ जाता है विद ग्लास बिल्ड, विद Dimensity 1200 चिपसेट, विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड अ गुड कैमरा, मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन काफी धमाकेदार स्मार्टफोन हो सकता है। एंड Mi 11X, iQOO 7, Realme X7 Max इनको अच्छा खासा चैलेंज कर सकता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।